हाँ जी यही कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी नूं ते आम आदमी पार्टी नूं साडे वल्लों बहुत बहुत वड्डी कॉन्ग्रेचुलेशन्स है कि एक लोगों ने क्लीन मैंडेट दिता है, एक स्वीप दिता है, क्योंकि एक चेंज चाहते हैं, एक थक गए है, सफोकेट हो गए है, जिहड़ी है करप्शन चल रही है पंजाब दे विच उहदे तों। ते इत्थे कपूरथला विच जिहड़े मंजू राणा जी हारे है, आपां इह नहीं मन्नांगे कि हारे है, असल विच इहनां दी इह जित है। इन्हों की एक है सिर्फ फेल्ड अटैम्प्ट है, बड़ी एक जर्नी है जी शुरू हुई है करप्शन के अगेंस्ट, तो यह जी है लोंग रन है, लंबे रेस के घोड़े है, यह जरूर जोड़ा है राणा गुरजीत जी के खिलाफ जोड़ा है वह हम जितने, ये हार के भी मंजू राणा जी की जित है, उन्होंने पार्टी की इमेज न एक बहुत पहचान दी है, एक टीम वर्क दिता है पार्टी को जिद की इमेज बनी है, जिसे कारण एक पार्टी है जी जीत पाई है। ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲੋਸਟ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਬੈਟਲ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਵਿਨਿੰਗ ਇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਨਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ एक आम आदमी भी राजा बन जाता है। इस टाइम पे एक आम आदमी की जीत हुई है, तेरी जीत हुई है, तुम्हारी जीत हुई है, सारे की जीत हुई है, सो वी शुड बी सेलिब्रेटिंग इट एज दिस इज अ विन फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। सो वी आल्सो वांट टू से वन थिंग दैट मंजू राणा जी जेड़े हैं वो इसलिए हार गए क्योंकि राणा गुरजीत जी की करप्शन का मैच नहीं कर पाए। पंजाब दे एक मिनट मैडम जी, एक मिनट, एक पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी का बहुत वधिया रुझान सीगा, ते कपूरथले दे विच जिहड़ी आम आदमी आ हर जांदी आ, कित्थे कमी रह गई है? कपूरथले विच जी यही कमी रह गई है कि मंजू राणा जी पहली बारी इत्थों आए है, और लोगों नूं जागरूक कराउण लई टाइम लगता है। इत्थे एक जिहड़ा एक रुझान है कि शराब वेच लो, शराब वंड दो, पैसे वंड दो, ते हौली हौली लोगों को यह गल समझ आएगी कि उन्हों का बेनीफिट किस चीज़ में है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जरूर जनता को यह हौली हौली समझ लग जाएगी कि उन्होंने बेनीफिट किस विच है। इतने यही कमी रह गई है कि जोड़े कैंडीडेट है उन्होंने जोड़ा है आप करप्शन या एक डर्टी पॉलिटिक्स में मैच करना एक ऑनेस्ट बंदे बहुत मुश्किल हो जाता है। चोणों तो पहले तुम राणा गुरजीत सिंह के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मामला सीगा पूरा? ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਬੋਗਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।